नमस्कार, मैं प्रिया। आज 12 जून खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अडानी और लुल्लू ग्रुप ने की इन्वेस्टमेंट की घोषणा। स्नातक पास छात्राओं को जल्द मिलेगी प्रोत्साहन राशि। 15 साल पुराने वाहन को बदले, बन रहा है स्क्रैपिंग सेंटर। कोरोना मामलों की जांच बढ़ाने का आदेश। गया ओटीए से देश को मिले 64 सैन्य अधिकारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 15 साल पुराने वाहन को बदले, बन रहा है स्क्रैपिंग सेंटर। बिहार की सड़कों पर जल्द ही अब 15 साल पुराने वाहन नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि इन वाहनों को सड़क से हटाने के लिए बिहार सरकार ने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च कर दी है। इतना ही नहीं, इस नीति के तहत ही बिहार की राजधानी पटना में 4 और बिहार के 14 स्क्रैपिंग सेंटर खोलने के लाइसेंस को दे दिया गया है। इससे अब सालों पुराने वाहन जो आज भी सड़कों की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनको हटाने में मदद मिलने वाली है। स्क्रैपिंग यूनिट की स्थापना के बाद यूनिट में सीधे 200 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। लाइसेंस प्राप्त कंपनियां सेंटर स्थापित करने के लिए जगह का चुनाव करने में लगी है। स्क्रैप सेंटर स्थापना के लिए लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की पूंजी लगानी होगी। उद्यमियों के अनुसार अभी तक स्क्रैप सेंटर को उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका है। इसके कारण बैंकों से कर्ज प्राप्त करने में परेशानी होगी। यहां पुरानी और अनफिट गाड़ियों को लोग बेच सकेंगे। इसके बदले उपभोक्ताओं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। कोरोना मामलों की जांच बढ़ाने का आदेश। देश भर में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिहार में भी मिल रहे मामलों ने और एक्टिव केसेस ने सभी की परेशानी बढ़ा दी है। इसी बीच अब बिहार में कोरोना के मामलों को देखते हुए बीते दिन समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसके तहत ही बीते दिन स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने ये बैठक बुलाई थी। इस दौरान ही कोरोना जांच में शिथिलता लाने वाले 7 जिलों के सिविल सर्जनों को फटकार लगाई गई, साथ ही जांच की संख्या बढ़ाने की सख्त हिदायत दी गई है। समीक्षा बैठक में सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, जमुई के साथ अररिया में भी कोरोना जांच की संख्या कम पाई गई, जबकि कटिहार, वैशाली और रोहतास में जांच की स्थिति बेहतर मिली है। हालांकि अब सभी जिलों के जांच के दायरे में बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। बिहार में अब अडानी और लुल्लू ग्रुप ने की इन्वेस्टमेंट की घोषणा। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने में बिहार की नीतीश सरकार लगी हुई है, जिसमें मंत्री शाहनवाज हुसैन की भूमिका अहम मानी जा रही है। उन्हीं की यह कोशिश है कि बिहार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेश का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। पिछले लगभग 1 साल की बात करें तो 36,000 करोड़ का निवेश आ चुका है। सबसे खास बात यह है कि बिहार में फूड टेक्सटाइल, पेप्सी के प्लांट, ITC की नई औद्योगिक इकाइयों को लगाने का काम हो चुका है। वहीं अडानी, लुल्लू ग्रुप, ITC, HUL, कोका कोला, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, अमूल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पतंजलि, उषा मार्टिन, होंडा, LNT, अरविंद मिल्स, टाटा, ब्लू स्कोप, KEI इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट अंबुजा समेत देश की कई बड़ी और नामी कंपनियां यहां निवेश की तैयारियों में जुटे हैं। भारतीय नौसेना ने निकाली रिक्तियां। भारतीय नौसेना ने अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 338 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए व्यापार की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रो प्लेटर, मरीन इंजन फिटर, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मैकेनिक डीजल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक मशीन, टूल मेंटेनेंस, पेंटर, शीट मेटल वर्कर, पाइप फिटर, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और AC, टेलर, गैस और इलेक्ट्रिक वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, शिपराइट, वुड फिटर, मेसन बिल्डर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, ICTSM, शिपराइट स्टील, रिगर, फोर्जर और हेड स्ट्रीट है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 जून से 8 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.nic.in पर जाकर आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL पर भी जा सकते हैं। बिहार में इंटर में एग्रीकल्चर पढ़ने वाले छात्र भी बन सकेंगे डॉक्टर और इंजीनियर। बिहार में इंटर में अगर आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं तो आप भी डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ समय से यह देखा गया है कि बिहार में इंटर में कृषि की पढ़ाई करने वाले छात्रों की रुचि लगातार बढ़ रही है। पहले दिन से ही यहां सीटें फुल हो जाती हैं। इसका कारण यही है कि यहां पर कृषि के साथ इंटर करने वाले छात्र के लिए आगे भी कृषि की पढ़ाई करने की कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि अब वो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। अगर आगे भी कृषि के साथ ही पढ़ना है तो राज्य के कॉलेजों में उनके लिए 50% सीटें आरक्षित रहती है। कृषि के विषय में पराली प्रबंधन को भी विषय के रूप में जोड़ा जाएगा।
गया ओटीए से देश को मिले 64 सैन्य अधिकारी। देश की सेवा के लिए बिहार के कई लाल को अब अधिकारी के रूप में चुन लिया गया है। बीते दिन गया के ऑफिसर्स प्रशिक्षण एकेडमी में आयोजित एक 21वीं पासिंग आउट परेड में 64 जेंटल कैडेट्स पास आउट हो गए हैं। इस पासिंग आउट परेड में टेक्निकल एंट्री स्कीम क्रमांक संख्या 39 के कुल 62 अधिकारी, जिसमें कुल 8 अधिकारी मित्र देशों के भी शामिल है। साथ ही बिहार के 5 और झारखंड के 2 अधिकारी शामिल है, जबकि स्पेशल कमीशन अधिकारी पाठ्यक्रम क्रमांक संख्या 48 के 2 अधिकारी पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड में TES 45 कोर्स के 45 जेंटलमैन कैडेटों ने भी इस परेड में भाग लिया, जो इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के लिए विभिन्न आर्मी कैडेट ट्रेनिंग विंग्स में जाएंगे। बिहार के आकाशदीप ने 8 छक्के जड़ बनाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट की सबसे तेज 50। आईपीएल 2022 में आरसीबी की तरफ से खेलने वाले बिहार के आकाशदीप ने रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में धूम मचा दिया। बिहार में जन्मे आकाश ने झारखंड के खिलाफ 18 गेंदों में 53 रन हासिल किए। आकाश की पारी का सबसे खूबसूरत पल यह रहा कि उन्होंने अपनी पारी के दौरान 8 छक्के लगाए और ये अर्धशतकीय पारी श्रेणी का सबसे तेज अर्धशतक साबित हुआ। ज्ञात हो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तानी बल्लेबाज मिसबाह उल हक के नाम पर है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आबूधाबी में मैदान पर 2014 में महज 21 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया था। स्नातक पास छात्राओं को जल्द मिलेगी प्रोत्साहन राशि। अगर आप भी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं तो सरकार की प्रोत्साहन राशि की हकदार है, तो आपको जल्द ही यह राशि मिलने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार की नीतीश सरकार जल्द ही स्नातक पास 2.25 लाख छात्राओं के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि भेजने जा रही है। सरकार की तरफ से इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों को पत्र लिख दिया है। विभाग की तरफ से जारी पत्र में छात्राओं के लंबित पड़े आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए कहा गया है। पोर्टल पर आवेदनों के सत्यापन के बाद छात्राओं के खाते में 50,000 रुपए भेज दिए जाएंगे। वर्तमान समय की बात करें तो राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातक की परीक्षा पास कर चुकी करीब 2.25 लाख छात्राओं के आवेदन जांच के लिए लंबित पड़े हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से कई बार विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश भी दिया जा चुका है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रतनबाई की। रतनबाई का जन्म आज ही के दिन साल 1986 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। रतनबाई एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका थी। वो अभिनेत्री शोभना समर्थ की मां, अभिनेत्रियों नूतन और तनुजा की दादी, अभिनेत्रियों काजोल, तनिषा मुखर्जी और अभिनेता मोहनशीष बहल की परदादी थी। रतनबाई काफी प्रभावशाली गायिका थी, जिन्होंने भजन लिखे हैं। भजनों के बोल उन मित्रों के बीच वितरित करने के लिए प्रकाशित किए, जो चेंबूर में उनके घर पर महाशिवरात्रि समारोह के दौरान उनके साथ गाएंगे। रतनबाई ने शिवाजी की माँ के रूप में स्वराज्य सीमावार नामक केवल एक मराठी फिल्म में अभिनय किया है। बिहार में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। बिहार में जल्द ही रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं। वहीं किसानों के लिए सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने के लिए केले, आलू और चिप्स और मक्का आधारित स्नैक्स और मसालों के प्रसंस्करण की 4 परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21.33 करोड़ है। इनमें अनुदान के रूप में राज्य सरकार 1.51 करोड़ रुपए देगी। कृषि विभाग ने अभी तक 35.34 करोड़ की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्वीकृति बिहार के कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की परियोजना अनुश्रवण समिति की बैठक में दी गई है। बिहार के बेटे ने जीता आईएमए का सर्वोच्च सम्मान। बिहार के समस्तीपुर निवासी मौसम वत्स ने आईएमए का सर्वोच्च सम्मान हासिल किया है, जिसके तहत ही मौसम ने अपने नाम प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर को दर्ज किया है। इस जीत को लेकर मौसम ने बताया कि अधिकांश युवा अपने परिजनों या रिश्तेदारों से सेना में जाने की प्रेरणा लेते हैं, लेकिन उनके परिवार या रिश्तेदारी में कोई भी सेना में नहीं है। देश की रक्षा करने वाले फौजियों के मान सम्मान को देखकर उन्होंने भी खुद सेना में जाकर देश की रक्षा करने की ठानी और इसके लिए खूब मेहनत भी की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर निवासी मौसम वत्स साधारण परिवार से हैं। सेना में अफसर बनकर मौसम ने वत्स परिवार का नाम रोशन कर दिया है। मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर निवासी मौसम वत्स का परिवार हरियाणा के फरीदाबाद में रहता है। बिहार के 32 जिलों में येलो अलर्ट जारी। बिहार में मॉनसून का इंतजार हर कोई कर रहा है, लेकिन यह इंतजार कितना लंबा होने वाला है इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन इन सब के बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 6 को छोड़कर 32 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल का तापमान 42 से 44 डिग्री के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। वहीं आज मधुबनी, सुपौल, कटिहार, अररिया, किशनगंज आदि जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।
राजगीर के घोड़ा कटोरा लेक में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। घोड़ा कटोरा झील मीठे और वर्षा जल से भरी राजगीर के पास स्थित है। ये झील अब पर्यटक स्थल के रूप में जानी जाती है। कालांतर में ये पक्षी विहार का रूप ले चुका है। इस जगह पर आपको भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा है जो कि इस झील की शोभा बढ़ाने का काम करते है। घोड़ा कटोरा जाने के लिए आपको ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ेगा। एंट्री पर आपको 10 रुपए की एंट्री टिकट लेनी होगी। वहीं जो ई रिक्शा आप लेंगे उसके लिए आपको 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना होगा। उसके बाद अगर आप नौका विहार करना चाहते हैं तो आपको 40 रुपए प्रति व्यक्ति देना होगा। ध्यान रहे, अगर आप घोड़ा कटोरा जाने की सोच रहे हैं तो आप सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जा सकते हैं। साथ ही आप अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च महीने के बीच में बनाए। बिहार के 11 जल जांच प्रयोगशालाओं को मिली मान्यता। बिहार के लगभग 11 जिलों के जल जांच प्रयोगशाला को नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज की मान्यता मिल गई है। यानी कि अब इन प्रयोगशालाओं की जांच रिपोर्ट की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता होगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन ये प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और कार्यरत कर्मियों की दक्षता देखने के बाद NABL ने मान्यता प्रदान की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन प्रयोगशालाओं में सालाना करीब 3.5 लाख पानी के नमूनों की जांच होती है। आयरन, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों और अन्य जगहों के जल की नियमित अंतराल पर जांच होती है। जिन जिलों के जल जांच प्रयोगशालाओं को NABL की मान्यता मिली है उसमें भागलपुर, बांका, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, मुंगेर, गया, पूर्णिया, सहरसा, रोहतास और सारण शामिल है। पंचायती राज की भूमिका पर शुरू होगा सेमिनार। बिहार के विकास में पंचायती राज की भूमिका पर एक सेमिनार का आयोजन 18 जून को होने जा रहा है, जो कि बिहार की राजधानी पटना के दनियावा स्थित ज्ञानस्थली इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में पटना और नालंदा के पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसकी जानकारी ज्ञानस्थली इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक रवि रंजन ने दी है। जिसके तहत ही उन्होंने कहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए पंचायती राज और जनप्रतिनिधियों को जागरूक और सजग रहना जरूरी है। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही कई महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों पर रहती है। नेपाल और सुपौल की बारिश से बढ़ा कोसी का जलस्तर। बिहार में जहां एक तरफ गर्मी का सितम है तो दूसरी तरफ पिछले 2 दिनों से सुपौल जिले के विभिन्न हिस्सों और नेपाल की तराई स्थित कोसी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वीरपुर स्थित कोसी बराज पर नदी का कुल डिस्चार्ज लगातार बढ़ने की दिशा में अग्रसर है। वहीं नेपाल स्थित बराह क्षेत्र में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी के संकेत दर्ज किए गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 15 जून के बजाय 1 जून से ही बाढ़ काल की घोषणा की गई है। यही वजह है कि उक्त तारीख से ही जल संसाधन विभाग के कंट्रोल रूम द्वारा नित्यदिन नदी के डिस्चार्ज की सूचना दी जाती है। नई तटबंधों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पूर्णिया सड़क हादसे से सीएम नीतीश मरमाहत, परिवार वालों को मिलेगा अनुग्रह अनुदान। बीते दिन बिहार के पूर्णिया जिले के कांजिया गांव के पास एक स्कॉर्पियो तालाब में गिर गई, जिसके बाद इस दुर्घटना में 9 लोगों की जान चली गई है, जिस पर बिहार के मुखिया ने शोक संवेदना व्यक्त की। जिसके तहत ही उन्होंने इस मामले को लेकर अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि यह दुर्घटना काफी दुखद है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के शोक संतप्त परिवार को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग को दिया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस और राहत और बचाव टीम मौके पर मौजूद है। शव को पोस्टमार्टम में भेजने की कवायद चल रही है। बिहार के 51 पूर्व मुखियाओं पर नहीं होगी कार्रवाई। बिहार में चल रही निश्चय योजनाओं में अनियमितता को लेकर 51 पूर्व मुखियाओं पर जो प्रशासनिक कार्रवाई होने वाली थी वो अब नहीं होने वाली है। इन पूर्व मुखिया पर संबंधित जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग की तरफ से बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के तहत चल रही कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है। पूर्व मुखियाओं पर कार्रवाई नहीं करने के पीछे विभाग ने COVID-19 से उत्पन्न स्थिति एवं कुछ अन्य कारणों से वो कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे, इसलिए उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, ऐसी बातें कही है। आरा से दिल्ली और वैष्णव माता जाना होगा और आसान। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। अब आरा से दिल्ली और वैष्णव माता जाना आसान होने वाला है। आरा के लोग कई सालों से दोनों ट्रेनों की ठहराव के लिए मांग कर रहे थे। अब सुविधा मिल जाने पर आरा के स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को लोग बधाई दे रहे हैं। बीते दिन इसको लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और सांसद आरके सिंह ने आरा स्टेशन से अर्चना एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 5, 5 को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। यानी अब आरा से लोगों को वैष्णव माता के दर्शन के लिए एक और ट्रेन की सुविधा मिल गई है। पहले हिमगिरी से लोग जाते थे, इसके साथ ही अब शनिवार से विक्रमशिला एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस का ठहराव आरा स्टेशन पर शुरू हो गया है। बिहार में कोरोना फिर से हुआ बेकाबू।
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 44 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव केसों की संख्या 100 पार कर गई है, यानी कि अब बिहार में एक्टिव केस 104 पर पहुंच गई है। वहीं जिलावार आंकड़ों की बात करें तो बेगूसराय में 1, भागलपुर में 1, गया में 6, खगड़िया में 1, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 1, पटना में रिकॉर्ड तोड़ 27 मामले और सारण में 1 और वेस्ट चंपारण में 4 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे की बात करें तो कुल मिलाकर 95,793 सैंपल की जांच हुई। वहीं इस दौरान 17 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। हालांकि कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों ने बिहार में एक बार फिर से स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। बिहार में जलापूर्ति योजना की मॉनिटरिंग में आई बाधा। बिहार के 118 नगर निकायों में जलापूर्ति योजना के संचालन और मॉनिटरिंग में अब बाधा नजर आ रही है, क्योंकि योजना के अनुसार IoT उपकरण लगाया जाना था, लेकिन इसमें 55 नगर निकायों ने काम नहीं किया, जिसके बाद ही अब ये योजना अधर में लटक गई है। इसमें 3 नगर निगम, 12 नगर परिषद और 40 नगर पंचायत शामिल है। इस पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने सख्त आपत्ति जताते हुए संबंधित नगर निकायों को 3 दिन के अंदर जलापूर्ति योजना से जुड़े पंप हाउस की सूची एजेंसी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अपने 75वें जन्मदिन पर लालू प्रसाद यादव ने काटा 75 किलो का लड्डू। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया। लालू प्रसाद अपने दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के साथ पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने 75 किलो का लड्डू काटा। राजद सुप्रीमो को 5 साल बाद जन्मदिन के मौके पर अपने बीच पाकर कार्यकर्ता खासे उत्साहित दिखे। कार्यालय खचाखच समर्थकों से भरा था। लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के साथ 10 सर्कुलर रोड स्थित राबरी आवास पर केक काटकर अपने जन्मदिन की खुशी मनाई। उसके बाद ही वो पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद ही कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच लालू प्रसाद ने कहा कि आप लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज राजद नेशनल लेवल पर है। पार्टी को सभी को मिलकर आगे बढ़ाना है। सीएम नीतीश के राष्ट्रपति बनने पर ललन सिंह ने लगाया विराम। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की जैसे ही घोषणा हुई, बिहार में भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चाएं होने लगी, क्योंकि ऐसी खबरें चलने लगी कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार राष्ट्रपति की रेस में शामिल होने वाले हैं। लेकिन अब इन सभी अटकलों पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूर्ण विराम लगा दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। वो ना तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है और ना ही वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ललन सिंह ने उक्त बातें लखीसराय में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कर्नाटक में चंदा साहिब ने 1752 में आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1812 में रूस पर हमला किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार में दोषी करार दिया। भारत और पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के कारण G8 के देशों द्वारा ऋण नहीं देने का निर्णय 1998 में लिया गया। सीमा मुद्दे पर 2001 में भारत बांग्लादेश वार्ता शुरू हुआ। कनाडा में होने वाले जीव विज्ञान ओलंपियाड में 2007 को 4 भारतीयों का चयन हुआ। साइना नेहवाल ने 2016 में दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता। भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म 1957 में हुआ। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक श्यामा का जन्म 1935 में हुआ। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक श्री DG तेंदुलकर का निधन 1972 में हुआ। आज के दिन को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्हाट्सएप ने दी नई सुविधा। आज के समय में व्हाट्सएप यूजर की संख्या करोड़ों में है। यही कारण भी है कि व्हाट्सएप समय समय पर अपने फीचर को भी रोल करने का काम कर रहा है। इसी बीच अब कंपनी की तरफ से जो नई अपडेट निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार जल्द आप व्हाट्सएप चैट का बैकअप अपने पर्सनल डिवाइस पर भी ले सकेंगे। दरअसल व्हाट्सएप एंड्रॉइड यूजर को अपने चैट बैकअप को ऐप से बाहर स्टोर करने में मदद करने के लिए एक नए तरीके पर काम कर रहा है। ये चैट बैकअप न सिर्फ गूगल ड्राइव में स्टोर होगा, बल्कि यूजर इसे लोकल स्टोरेज में एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। एक नई रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यूजर को गूगल ड्राइव के बाहर अपनी चैट का बैकअप लेने की अनुमति देगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है ललन कुमार, रामबाबू कुमार, मिंटू शर्मा, विजय घायल, महेश कुमार, ओमकार सिंह, मोहम्मद चांद, संतोषी साथी, आमोद कुमार, अंजलि राज। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार क्या आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में जीत दर्ज कर भारतीय टीम वापसी करने में सफल हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।